हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक, जो 2022 में हुआ था। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का है 2022 का, ठीक है। और जो ये नाम देख रहे हो आप, नाम, ये नाम मेरा ही है, सनी कुमार। मैंने 2022 में टेंथ पास किया है और मेरा टेंथ में हाई स्कूल पर जो रिजल्ट आया हिंदी का 98 आया है, ठीक है। 98 नंबर आया है, यानी 98 नंबर मुझे 98 मुझे हिंदी में सिर्फ मिले हैं। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी आ सकता है, ठीक है। उसके साथ मैं भी आपको टिप्स बताऊंगा हिंदी में कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, ताकि आप भी 98 पा सकें, ठीक है। आप स्क्रीन पर आ रहा होगा जो मेरा रिजल्ट है, ठीक है, तो सामने शो कर रहा होगा। तो आप भी हिंदी की तैयारी करना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इस चैनल से बेनिफिट मिल सके और आपको भी हिंदी में 98 नंबर ला सको। तो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। और जो ये पेपर है पूरे सॉल्व के साथ कराऊँगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा सॉल्व के साथ। तो आप भी अगर कोई हल करवाना चाहते हैं तो ये कोड भेजिए, कोड जो है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सनी मदेसिया के नाम से, ठीक है। सनी कुमार नाम है लेकिन सनी मदेसिया मेरा आईडी बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो समय तो जानते हो आप, 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा, ठीक है। तो 15 मिनट जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, 3 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए। और मैंने जो है ना 2.5 घंटे में ही पेपर कर लिया था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है राइटिंग की और स्पीड की, तो मैं बताते चलूँगा। शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, जो एक नंबर का होगा। पहला है, झूठा सच के लेखक रामलीला शर्मा है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी बिल्कुल गलत है। महादेव वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो अगर 3 गलत है तो लास्ट है जो है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो जो हंस पत्रिका है ये मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला बढ़ते हैं। अगला है, कलम की सिपाही के रचनाकार, तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय, ठीक है। कलम के सिपाही अमृत राय, तो इसका यह होगा। मैंने वहाँ टिक भी कर लिया था, आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो नीली पेन से मैंने बूंदी रख दिया था, ठीक है, बूंदी अमृत राय। ये रा लिखा है, अब ये मत समझे ना, ये रा है, ठीक है। जो प्रेमचंद्र है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो बाल भट्ट का आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन, आपको कमेंट करके बताना है एक रचना उनका, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का। अगला है, अगर आप ओ एक सिर्फ क्या करना है, केवल खा डाल के तीसरा डाल देना है अमृत राय, बस आपको मिलेगा एक नंबर, ठीक है, एक नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम, तो आपको एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। जो मैंने क्या लिखा था, तो मैंने लिखा था रसमीमांसा, ठीक है, जानता था 4, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, रसमीमांसा संस्कृत के 4 अध्याय, मुझे पता 4 था, ठीक है, लेकिन मैंने 1 किया क्योंकि इसमें 1 बताया है। अगर आप 4 हल कर देंगे तो जो एग्जामिनर है वो सबका नंबर काट लेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एडवांस मत नहीं भरना है, वहाँ सिर्फ जितना कहे उतना ही करना है, ठीक है, ज़्यादा वहाँ दाल भात नहीं करना है। अगला है, तो मैं बता दूँ, आषाढ़ का एक दिन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको कमेंट ये भी करना है कि आपको किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। क्या भूलो कि आपको हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और रसमीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं, संस्कृति के 4 अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, आपको इसको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम, तो सूरज का जो सातवां घोड़ा के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है, कौन है? धर्मवीर भारती। अगला है,
उसने कहा था कि रविदास की रचना है तो ये कहानी है, ठीक है, कहानी है। और अगर आप भी चाहते हैं अपने दोस्त को भी जो अपने फैमिली में हैं कि इनका हिंदी में 98 नंबर आए, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर अधिकतर हिंदी की तैयारी की कराई जाती है, ठीक है। तैयारी तो सबकी कराई जाएगी, लेकिन हिंदी के इसमें टॉप में कराई जाएगी, ठीक है, ताकि वो आपका भी 99-98 आ सके नंबर। अगला है, रीतबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीतबद्ध काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों का नाम है, आप मती राम लिख दीजिएगा, जो मैं लिख के वहाँ से आया हूँ वो मैं बताऊँगा, ठीक है, मैं फालतू नहीं बताऊँगा, जो मैं लिख के आया हूँ वो बताऊँगा। मती राम लिख देना और केशवदास लिख देना, ठीक है, मती राम और केशव। अगला है, बहुत लड़के तो घनानंद बिरंद लिखे आए हैं, ठीक है, लेकिन वो रीतमुख काव्यधारा के कवि हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत लड़के तो ये लिखे आए हैं। छायावाद किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख, और जो मैं विशेषता लिखा हूँ दोस्तों वहाँ काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा ताकि वो भी समझ जाए कि हाँ ये एकदम सटीक है, इधर उधर नहीं है। तो छायावाद किन्हीं दो विशेषता मैंने लिखा था वहाँ, वैयाक्त अनुभूत की प्रबलता, सौंदर्य भावना, ठीक है, वैयाक्त अनुभूत की प्रबलता, सौंदर्य भावना। और आप कम्युनिटी में देख लेना, जो कम्युनिटी टैब है वहाँ भी देख लेना, मैंने वहाँ एक पोस्टर वहाँ भी लगा दिया है, जो सबसे ऊपर है नाम वो मेरा है, ठीक है, सनी कुमार जो पुत्र अशोक कुमार है, वहाँ मेरा नाम है सनी कुमार, ठीक है। और मैंने उसका जो रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैंने कम्युनिटी में मैंने लगा दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो अगला है, प्रिय प्रवास कृष्णाकर के नाम। तो प्रिय प्रवास तो आपको बताना है, प्रिय प्रवास अयोध्या उपाध्याय हरिओद है, ठीक है, अयोध्या उपाध्याय हरिओद। अगला है, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे इसके दो नंबर मिलेंगे, इसके दो नंबर मिलेंगे, इसके एक, इसके एक, ठीक है। और जो ये नंबर है ना दोस्तों, यही नंबर बढ़ाता है एग्ज़ाम में, जो पेपर में जिस 70 नंबर का होता है, तो एक दो नंबर जो है वो नंबर में क्या लाता है, सुंदरता लाती है। तो ये सब एक दो नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला करते हैं, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ दो दो चार दो छः, यानी छः नंबर का है। तो पहले तो इसे इस गद्यांश को पढ़कर इसके संदर्भ लिखना है, तो दो नंबर तो इसके मिलेंगे, ठीक है, दो नंबर इसके मिलेंगे। फिर एकांकित अंश की व्याख्या करनी है, दो नंबर इसके मिलेंगे। फिर जो विशेषता बताई गई है गद्यांश संगत की विशेषता बताई गई है उसको आपको बताएं, तो ये दो नंबर इसमें मिलेंगे। काफ़ी इजी पेपर था, हिंदी का ही काफ़ी इजी पेपर था, मेरे लिए तो सभी इजी था, लेकिन एग्जामिनर में जो एक दो विषय में नंबर काट लिए, खैर छोड़िए, रात गई बात गई। अथवा अगर आपको इसे नहीं करना है, ठीक है, आपको अगर इसे नहीं करना है तो आप इसे कर सकते हैं, बुद्ध के जन्म की घटना है तो इन चित्रित कथाओं में है। पहले इसे देख लेते हैं, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, या केवल नीत और सत्यवृत्ति का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत की यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उस दिन औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। आपको दोस्तों रट के नहीं जाना है, बस आपको समझ के जाना है कि कह क्या रहा है, ठीक है। तो आपको अपने मन से करना है, वहाँ समझ में आ रहे दोस्तों, अपने मन से करना है। अगर अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश होकर फुल नंबर देगा। अथवा बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं और उनकी संख्या 555 है, और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्ध में बड़ा मान है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज कपि मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था, और संसार के कल्याण के दया और त्याग का आधार स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। आपको बताना दोस्तों गज मिस क्या होता है, कपि मिस क्या होता है, मृग मिस क्या होता है, आपको कमेंट करके ये भी बताना कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, दो में से कोई भी करिए, संदर्भ लिखिए दो में से कोई भी, यानी इसे करिए जो मैंने बताया, अगला वाला उसे करिए। तो इसमें बताओगे, संदर्भ लिखोगे इसका गद्यांश का, दो नंबर इसमें मिलेगा,
अगर अंश की व्याख्या करोगे दो नंबर इसमें मिलेगा। जातक कथाएं क्या और इनमें किन योनियों का जन्म का वर्णन है, इसका दो नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए पद्यांश में। तो निम्नांकित पद्यांश में किसी एक के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और साव काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। जो अगर संदर्भ लिखोगे तो एक नंबर उसमें मिलेगा और उसकी व्याख्या करोगे तो चार नंबर उसका मिलेगा। जो काव्य सौंदर्य दोस्तों उसका एक नंबर मिलेगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर काव्य सौंदर्य नहीं लिखोगे तो एक नंबर नहीं मिलेगा। तब दोस्तों क्योंकि नंबर आपको गेटअप करना है यानी प्राप्त करना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी शोभा है, तून सरासन बाण धरे तुलसी बाण मार्ग में सोठी सो है, सादर बारह बारह सुभाषित तुम तो हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम मधु सियोसो कहो सावरे से सखी रावरो को है। ठीक है, अगर अथवा का मतलब होता है अगर इसे नहीं करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इधर दिया हुआ है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुष्प क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास है जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो मैंने लिखा क्या था दोस्तों, मैंने इसको लिखा था, इसकी मैंने संदर्भ लिखा था, व्याख्या लिखा था और काव्य सौंदर्य लिखा था, जो मैंने फुल मार्क्स इसमें मिला था। ठीक है, अगला है, निम्नांकित लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम जीवन पर दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम। मैंने एक दोस्तों हिंदी की तैयारी कैसे करें किस प्रकार करें, मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं या स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो एक लेखक तुम्हें बताओ दोस्तों जो गद्य में है उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी पहला दूसरा तीसरा ये लेखक का नाम याद कर लीजिए जीवन परिचय, और पद्यांश में है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये याद कर लीजिए, एक न एक दोस्तों आ ही जाएगा। ठीक है, तो तीन दिया हुआ है, तीन उसमें से आपको एक ही करना है। ठीक है, जैसे हमें प्रसाद कीजिए या डॉक्टर अजित प्रसाद कीजिए या आचार्य रामचंद्र शुक्ल कीजिए, तो फर्स्ट लेसन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है तो मैंने इनको ही लिखा था, तो जो दो नंबर उसमें मिल गए और एक नंबर इसकी रचना का नाम। रचना आपको दोस्तों रट के जाना है यहाँ से, जैसे कि प्रसाद का जो है कमायनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कमेंट करना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभी मैंने बताया है रसमीमांसा है। ठीक है, तो आपको रट के जाना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे भी दिया है, इंपॉर्टेंट रचना और रचनाकार के नाम तो आपको छोड़ना नहीं है, आग लगा देनी है। ठीक है, तो परीक्षा में 98% लाना है, 98-99% लाना है आपको हिंदी में, तो बने रहिए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है, आपको काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में लाभ मिलने वाला है। किस तरह क्वेश्चन आता है, किस तरह लिखना है, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये तो होगी गद्य की बात, ठीक है, ये होगी गद्य की बात। अब पद की बात करें, एक बात याद रखना दोस्तों, जो गद्य में है वो लेखक रहता है और पद में जो कवि रहता है। ठीक है, तो इस पद में मैंने लिखा था तुलसीदास जी को। ठीक है, तुलसीदास जो मुझको तीन नंबर मिला था, एक नंबर रचना का मिला था। ठीक है, तो आपको ये सब रट के जाना है। तीन, मैं तो वैसे भी चार कवियों का नाम याद कर लिया था क्योंकि दोस्तों जैसे कहीं कहीं से आ जाता है, सस्ता नहीं है, तो मैं चार कवि का नाम याद कर लिया था। आपको तीन ही याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। ठीक है, ये तो बात हुई हिंदी की, अब आ जाइए अनिवार्य संस्कृत में। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांग संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, अस्माकं संस्कृत का सदा गशीला वर्तते। दोस्तों आपको इसे अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में लिखना है, अस्माकं माने हमारे संस्कृत में संस्कृत सदा माने सदा गशील में गशील है, वर्तते में रहती है। तो इसे संदर्भ लिखोगे एक नंबर मिलेगा और इसकी व्याख्या यानी अनुवाद करोगे तो दो तीन नंबर मिलेगा, चार नंबर। ठीक है, अगर आप इसे नहीं जानते तो ये जो है पद्यांश में है, हतो आप प्राप्त स्वर्ग जितवन, तो इसे भी कर दीजिए, लेकिन मैंने जो है मैंने इसे किया था। ठीक है, जो एग्जामिनर होते हैं और ज़्यादा लिखा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, खुश होकर नंबर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको किया है, अच्छे से राइटिंग से भी किया था और फुल मार्क्स इसमें मिले हैं। और जो दो नंबर का है,
अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको दो श्लोक याद कर लेना है। अगर एक आ गया तो एक आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर है, दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चार प्रश्न है, कुत्र मृणम मंगलम भवति, प्रू राजा केन सा युद्धम अक्रोत, ज्ञानम कुत्र संभवत, चंद्रशेखर कहाँ आसीत। तो दो नंबर इसमें मिल जाएंगे। और जो करुण अथवा हास रस के अस्थायी भाव बताते परिभाषा लिखिए, दो नंबर इसमें मिलेगा। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी दीजिए, दो नंबर इसमें मिलेगा। रोला अथवा सोटा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, दो नंबर आपको किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। और जो एक एक नंबर का मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, आपको प्राप्त करना है एक एक नंबर, तीन नंबर इसमें मिलेंगे। तीन के मेल करना है, एक शब्द बनाना है। तो अन से होगा अन्य, से होगा अनजान, उप से होगा उपमान, सु से होगा सुसंगति, अभि से होगा अपमान, आदि से होगा अधिकोष, सह से होगा सहचर, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है। तो मैंने तीन बनाया था, किस किस से बनाया था मैं बता दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बताऊँगा। मैंने लिखा था आदि का यानी अधिकोष, अभिमान और उपमान, ठीक है। उपमान मैंने ये तीन का लिखा था आपको। प्रत्यय फिर उपसर्ग के पहले प्रत्यय बाद, तो मैंने प्रत्यय में क्या लिखा था, पढ़ाई, महानता, बनावट, इस मैंने ये तीन का लिखा था। तीन का लिखा नहीं था ये, मैंने तीन में से चार में से दो लिखा था, मैंने तीन बता दिया। आपको अपने मन से इसे हल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन वहाँ फंसता है। तो मैंने पूरा हल के साथ बता दे रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है, समास विग्रह करना है, समास का नाम, तो दो नंबर का मिलेगा, दो नंबर आपको मिलेगा। उत्थान पतान चौराहा, तो मैं चौराहा को बता दे रहा हूँ, चार राहों का समूह, संख्यावाची द्विगु, तो ये चार राहों का समूह होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला है, पर्यायवाची में आ जाइए, तो बादल, पुत्री, गणेश, कमल, तो आपको इसको पर्यायवाची लिखना है, दो का एक एक पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। फिर तत्सम तद्भव आ जाइए, धुआं, तालाब, जेठ, आग, आग का होगा अग्नि, जेठ का होगा जष्ट, ज्येष्ठ, ठीक है। फिर संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम दीजिए, तो प्रत्येक और स्वागतम, इसका मैंने लिखा था प्रतिदिन एकम, शोधन आगतम, ठीक है, प्रतिदिन एकम शोधन आगतम। आपको बताना है कौन सी संधि का नाम है, क्योंकि दोस्तों आपको इस टाइम पढ़ रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है तब आप समझ लो कि आप कौन सी तैयारी करते हो, आपका 98% बहुत मुश्किल लाना, अगर आप ये सब नहीं बता पाओगे तो मेहनत कीजिए, लाना है नंबर अच्छे से, ठीक है। अगला है, किसी एक शब्द का पंजे विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। दोस्तों आपको क्या याद करना है, आपको मधु का याद कर लेना है, नदी का याद करना है, मति का याद करना है, ये तीन आपको याद कर लेना है। मैं 99% दावे के साथ बता दे रहा हूँ कि ये पक्का आएगा, ये हर साल आता है, ठीक है, इसमें हम ना बट होने लो कोई बात नहीं है। फिर अजय, एक के धातु लकार पूर्व वचन का उल्लेख कीजिए, तो अपठम हसत पढ़ता हसे, तो आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। आपको अगर किताब नहीं हल किए होंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये सब नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इस सब से नंबर बढ़ता है। अगला है, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, राम घर जाता है, राम गच्छत ग्रहम, रामा गच्छत ग्रहम, तो इस तरह आपको बनाना है। चार दिया हुआ है, चार नहीं पांच दिया हुआ है, पांच में से दो करना है। विद्या बिना देती है, तो विद्या दाती बिना, मैंने दो ऊपर वाला किया था, राम घर जाता है, विद्या बिना देती है। अगला है, निबंध लिखिए, किसी विषय पर निबंध लीजिए, छः नंबर का आएगा। तो जो मैंने, अगर आपको भी लिखना है दोस्तों, तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना, पर्यावरण प्रदूषण बना बना के, ठीक है, यहाँ से अटके नहीं जाना है, बस समझ समझ के जाना है कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, ठीक है, जो छः नंबर का मिलेगा। दोस्तों अगर आप दो पेज तीन पेज में लिखोगे तब वो एग्जामिनर छः नंबर देगा। मैंने तीन पेज में लिखा था इसे, पर्यावरण प्रदूषण, और अच्छे राइटिंग से, ऐसा नहीं कि मैंने गोद के चलाया था, ठीक है, मैंने टाइम भी देखा था, आप जाना तो घड़ी पहन कर जाना, और टाइम को बहुत पाबंद रहती है, लिखी साथ साथ लिखी, स्पीड भी रहनी चाहिए, राइटिंग भी बननी चाहिए,
एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। फिर आ जाइए इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, खंडकाव। तो आपके कहाँ, आप कहाँ के हैं, आपके टीचर बताएंगे कि आपको कौन सा खंडकाव करना है, ठीक है। तो जो मैंने किया था खंडकाव, ये किया था मेवाड़ मुकुट, जो मैं कहकर आया हूँ खुद, मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण मैंने इसे किया था, ठीक है। मैंने इसे किया था और इसे मैंने दो पन्ने में, तीन पन्ने में लिख कर आया था। मैंने बी कापी लिया था, बी कापी में मैंने सारा का पेपर भर के आया था वहाँ से, ठीक है, अच्छे राइटिंग से। टाइम मैनेज भी हो गया था, सब कुछ हो गया था और अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं भी बहुत खुश हुआ रिजल्ट देखकर। तो मेरा जो परसेंट था 89.5%, ठीक है। कम्युनिटी टैब में लगा दिया, वहाँ आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा नंबर कितना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। अगर आप कमेंट करना तो अगला मॉडल पेपर भी बनाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।